अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना, ये मैं मुख्तलिफ शॉप्स में फिर के मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस और किस किस ब्रांड में क्या मटेरियल अवेलेबल है और किस प्राइस में अवेलेबल है, ये मैंने पूरा संडे यही करने में गुजारा ताकि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं एकदम से नहीं ख़रीदती हूँ ड्रेसेस, बल्कि पहले एक पूरा चक्कर लगा के एक रेकी कर लेती हूँ, और आपको भी बताना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि आप भी विंटर्स के लिए यकीनन इस वक्त स्टफ़ ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने कुछ जोड़े ख़रीदे हैं जिनको मैं अभी इस व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी, तो इसको एंड तक देखिएगा। और मैंने वो कपड़े किस रेंज में लिए हैं वो प्राइस भी मैंने साथ ही बता दी है, तो स्टे विद मी एंड एन्जॉय द व्लॉग। दो के आज मैं बहुत बिजी थी और वो सारे कपड़ों छपड़ों का जो सिलसिला चल रहा था वो सारा मैंने समेटा है, और ये फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टे विद मी। विंटर स्टफ़ में जो 30% या 40% ऑफ था वो मैंने सारा देख लिया है, वो बिल्कुल बचे कुचे प्रिंट्स हैं और बड़े डल से कलर्स में हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा कि थोड़ी सी परसेंटेज ऑफ के कर की वजह से आप कोई इस तरह का लें। अगर आपने फ्रेश न्यू अराइवल्स देखने हैं तो वो बड़े वाइब्रेंट खूबसूरत कलर्स और न्यू प्रिंट्स में आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में दो चार जोड़े अगर कोई विंटर्स के लेने हैं तो वो न्यू अराइवल्स में से ही ले लेने चाहिए। मतलब ये मेरा ख्याल है, लेकिन आप कैसा समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर डिस्कस कर सकते हैं। सारे कपड़े तय हो गए हैं, ये पड़े हुए गर्मियों इनको साफ वगैरह करते करते शाम के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शाम के 7 बज गए हैं और आज बड़ा लेट हो गया है ये व्लॉग। इसकी वजह ये है कि मैं क्लिनिक से लेट हो गई थी, और फिर आपको पता है कि ये काम कितना लंबा है, इन कपड़ों को तय लगाना, और इनको अभी मैं कर दूंगी पैक फॉर नेक्स्ट समर्स। और साथ ही फिर ये क्या हुआ कि वापसी पे मैंने सोचा कि मैं थोड़े से विंटर्स के कपड़े भी चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या हैं, और मैं कुछ ले भी आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑल दीज हैंगर्स, ये इसमें अभी जी ये अभी जो विंटर्स के कपड़े धुल गए हैं वो प्रेस हो रहे हैं, वो अब इनमें लटका के मैं अलमारी में लटका दूंगी, और इनको मैं तय करके जो कि मैक्सिमम ये पड़े हुए हैं तय हो गए हैं, मैक्सिमम काम हो गया, और ये थोड़ा सा जो रह गया है इसको मैं तय करके इनको अभी मैं अपने बैग्स में रख देती हूँ। सर्दियों के कपड़े बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। बुनेंजा सतरंगी में, फिर उसके बाद अलकरम स्टूडियो में, फिर उसके बाद खाड़ी में, लाइमलाइट, गुल अहमद, सना सफीनाज, बेशुमार है। उफ, शुक्र है, दिस इज द लास्ट वन। This is the last. ये मुझसे लोग पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया था। आई थिंक ये मैंने खाड़ी से लिया था। हाँ, और कल के व्लॉग में आपने बताया है कि वो प्रेट जो मैं बता रही थी वो एक्चुअली निशात का था, एन था ना, एन प्रेट। तो वो असल में मैं निशात इतना जाती नहीं हूँ, और वो आलिया ने लेके दिया था, तो इसलिए मुझे आई एम सॉरी आई डिडंट नो। प्रेट का मतलब है कि रेडी टू वेयर, और एन से निशात। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बताया और करेक्ट किया। तकरीबन सारों ने ही मुझे बता दिया था, मुझे बड़ी शर्मिंदगी मैंने कहा यार ये मुझे पता नहीं चला। तो जी अभी लाते हैं बक्सा और उसमें रखते हैं ये कपड़े।
मुझे नहीं लगता कि एक बक्से में आएंगे, तो लिहाजा शायद दो करने पड़े। ये एक बक्सा तो हो गया है फुल तैयार। तो ये अब सेकंड वाले में आ गए। बहुत थक जाती हूँ इस वक्त तक मैं, एक्सट्रीमली टायर्ड। ये हमारे दोनों बैग जो हैं ये गर्मियों के कपड़ों के अब मैंने अपने इसमें कर दिए हैं। अच्छा, मैंने कहा मैं आपको अपने जो मैं आज ड्रेसेस लेके आई हूँ विंटर्स के वो भी दिखा देती हूँ। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं चाह रही हूँ कि मैं थ्री पीस या प्रॉपर सूट लाऊं, तो मैं ले आई हूँ कुछ। तो मैं खाड़ी से ले आई हूँ, कुछ अलकरम से, और एक मैं लाई हूँ बोनेंजा सतरंगी। और अभी और जो साथ साथ लूंगी फिर मैं आपको दिखाती रहूंगी। इसमें मैं साथ रिव्यू भी देती हूँ इन शॉप्स का। फॉर एग्जांपल जैसे खाड़ी है, खाड़ी का आप सब लोगों को पता है कि बड़ी अच्छी रेंज में है, इनकी प्राइस है। लेकिन जो चीज़ मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी है वो ये है कि ये बहुत अच्छी तरह मतलब लाइक यू कैन नॉट ओपन इट। जब आप ये ले रहे हैं, बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो इसको यहाँ पे इन्होंने वो लगाया हुआ होता है अपना वो क्या कहते हैं उसको, मुझे वो क्या होता है, वो सिक्योरिटी पिन जो होती है, हाँ, वो यहाँ पे दरमियान में लगाई हुई है और आप खोल के नहीं देख सकते। आप इस लेडी को पहने हुए देख के तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। तो काउंटर पे जब मैंने उन लोगों से ये बात की कि भाई आप ये थोड़ा सा इसको खोलने का रखें, तो उन्होंने कहा जी कि ये वो पीछे करके डिस्प्ले पर लटकाए हुए भी हैं। लेकिन उन इतने बड़े हॉल में उन स्टॉल्स में से ये चीज़ देख के, और फिर आप उसके बाद पूछें कि अच्छा अच्छा ये खद्दर है, चलो जी वहाँ जाकर देखते हैं कि वो जो खद्दर वाले हैं उसमें वो, तो इट इज़ नॉट यू नो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। और काम करने वाली मेरे जैसी औरतें जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो तो वहीं से देखेंगी, वहीं से उठा लेंगी, वहाँ देखें पहले, फिर आप ढूंढें कि जी वहाँ लटका हुआ कहाँ है, फिर वहाँ जाकर देखें, और वो इतनी दूर है। तो ये एक मुझे इनका, बाकी इनकी प्राइस अच्छी है। और ये मैंने लिया है टू पीस, और ये आया है जी 3290। का टू पीस है। मैंने भी अभी खोल के अभी ही देखना है। ये देखिए, इसको येलो के साथ इन्होंने दिया है, ये देखिए। मतलब इसमें, यानी कि ये इसका बॉर्डर आएगा और इसके साथ ये दुपट्टा आएगा। मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था, कुछ ऐसी लगूंगी मैं। स्टिच होके आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और इसके नीचे आई थिंक कि कोई ट्राउजर वगैरह बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो मैच कर लिए लेंगे। और उसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ये थ्री पीस है। और ये है, मैं आपको इसका फैब्रिक भी बता देती हूँ, दिस इज कॉटन। ये देखें, ओके। और कॉटन भी फिर आपको पता है खाड़ी की कॉटन, पाकिस्तान में खाड़ी की कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट। पाकिस्तान की कॉटन सारी ही मतलब फैबुलस है। इसमें ये ट्राउजर है प्लेन, और ये इसका शर्ट है। मेरे ख्याल में कोई गले का सीन है इसमें, ये गला मैं आपको ठहरे पूरा दिखाती हूँ। ये इसमें छोटी छोटी, और ये एम्ब्रॉयडरी है। ये गला हो गया,
ठीक है, दूर से लगता है कि प्रिंट है। नहीं नहीं प्रिंट नहीं है, नीचे तक ये छोटी छोटी बूटियां हैं। और ये देखें, ये इसके बाजुओं में भी आ जाएगा आगे। ये बाजू है, ये भी सारे एम्ब्रॉयडर्ड है। और मैं ये दुपट्टा उतार रही हूँ, और ये शिफोन का दुपट्टा है इसके साथ। ये बड़ा कलरफुल सा है ना, है ना प्यारा, बहुत प्यारा। तो ये इसका 3 पीस ये हो गया। तो ये मस्टर्ड हो गया, वो येलो और ग्रीन सी ग्रीन हो गया, और ये जो है ये कोई थोड़ा सा प्लम कलर। तस्वीर, पहले तस्वीर, तस्वीर हो गया। ये 2 पीस है, और ये मैं आपको बता दूं कि इसका मटेरियल लाइट खद्दर, जिससे अगेन खद्दर है जी। ये वो है ना जो धुल के नरम हो जाती है, एक खद्दर होती है ना वो अकड़ी हुई, दिस इज नॉट दैट। तो इसके साथ भी ये गला है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा। ये एम्ब्रॉयडरी है या? ये एम्ब्रॉयडरी है। हाँ यस, ये भी एम्ब्रॉयडरी है। ये एम्ब्रॉयडरी है, और इसके नीचे अगर आप ये चाहें तो आप शर्ट पे भी लगवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये बाजुओं पे भी लगवा सकते हैं। मैं तस्वीर देखती हूँ कि मॉडल ने कहाँ लगवाया हुआ है। नीचे लगवाया हुआ है, और ना ये नीचे है। इसका मतलब ये हुआ लाइक गला, और इसके नीचे ये हो जाएगा इसका बॉर्डर। बॉर्डर है ना, बड़ा मतलब यूनिक सा एक। बाकी सारा ये शर्ट होगी प्लेन, बिल्कुल ठीक है, प्लेन शर्ट गला, और ये इसके साथ हो जाएगा फिर दुपट्टा। ये इस पर प्रिंट है या ये भी एम्ब्रॉयडरी है दुपट्टे पर? दुपट्टे पर मुझे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन आई थिंक मैं इसको श्रिंक करूंगी। अच्छा, आई थिंक सो। ये इसका दुपट्टा यूं होगा, ऐसे लगूंगी मैं कुछ थोड़ी थोड़ी, अच्छी लगूंगी। तो ये हो गया जी खाड़ी, और मैं आपको प्राइस बता देती हूँ जी। ये जो 2 पीस मैंने अभी आपको ये दिखाया ना, 2 पीस ये है जनाबे अली 3390। वो था 3200 and something, ये जो सी ग्रीन था। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ये और ये 3000 की रेंज में, और ये जो 3 पीस था ये है 5990। ठीक है, फिर मैं गई बुनेंजा में, बुनेंजा सतरंगी, बड़ा प्यारा जोड़ा मैं लाई हूँ भाई, बहुत प्यारा जोड़ा है ये, 5000। ओके, यानी 4950, यानी 50 रुपये कम 5000। और इसके ये ऊपर बनी हुई है खातून, लेकिन ये वैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये भी एम्ब्रॉयडरी है सारी, ये इसका ट्राउजर है रेड तरह के ना, ये बैग है, तो जब लेगा टेलर ये ट्राउजर है ना, आप तो पता लग जाएगा। और ये इसकी फ्रंट है, ये इसमें बॉर्डर जो है ये कट के लग जाएगा नीचे, और लाइंस आएंगी यूं। ये एम्ब्रॉयडरी है, सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है, ये भी ये सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और ये नीचे आ जाएगा, और आप चाहें तो बाजुओं में भी लगा लें। ये है इसके साथ का शिफोन का दुपट्टा, ये अच्छा। ये भी मैं आपको बता दूं, मैं सना सफी नाज भी गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेंसिव है काफी। और आई मीन जिन्होंने लेना है वो ले लें, लेकिन मैं इतने महंगे 6000, 7000, 8000 कमीज़ों के अलग, 4000 की कमीज़ है, 2500 का अलग ट्राउज़र लें,
उसी के साथ का। अच्छा उसके साथ, उसी के साथ का अलग की मतलब जी है। टू पीस अगर लगाए हुए हैं तो कुर्ते का अलग प्राइस है, ट्राउजर की अलग प्राइस है, जब मिलाकर देखे तो 8-10 हजार का जोड़ा बन रहा है, तो दिमाग खराब तो नहीं है ना। और वो सिला हुआ है? सिला हुआ तो खैर है, लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि आप खुद स्टिच करवाएं, थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो उससे आपका ज्यादा अच्छी फिटिंग आती। कल भी मैंने कुछ देखे थे जाके, मुझे वो आपके साथ जब मैं गई थी कुछ मैं देखा ही थी कल, और वो फिर ये मैं मुझे पसंद आया हुआ था अलकरम का, ये 4000 का सूट है। ये फिर आपको पता है अलकरम हो गया या गुल अहमद हो गई, ये नहीं खराब होते, आप मशीन वॉश कर लें, आप हैंड वॉश कर लें, और 4000 आई मीन टू से अच्छा अच्छी रेंज है इनका। F10 मरकज में ये अलकरम स्टूडियो के नाम से शॉप है, ऊपर अगर आप चले जाएं तो प्रेट है, मतलब वहां पर स्टिच्ड है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। मैं ये आप लोगों के साथ चीजें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों ने भी जाना है। ये पहले तस्वीर दिखा दोगी? कुछ भी नहीं है, ये सिंपल प्लेन लाइंस वाला प्लेन। अच्छा ओके ठीक। तो ये इसमें इसका ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टे से इन्होंने कलर दिया है ना, ये दुपट्टा जो है इससे आएगा इसमें थोड़ी बहार, क्योंकि जो शर्ट है ये है सिंपल। ये मुझे फैब्रिक बड़ा फ्लोई से बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये इनका एक कह लें आप काइंड ऑफ लिनन है, उन्होंने पूरे सूट को एक लाइट कलर्स में डल कलर्स में रखा है और उसको उठाने के लिए उन्होंने दुपट्टा कलरफुल कर दिया है। ये और फिर इनके तो आप आंखें बंद करके ले लें, पता लगता है ना कि अच्छा ब्रांड है। तो ये कुछ कपड़े मैं ले आई थी, कुछ मैंने सोचा था कि मैं स्टिच्ड ले लूँगी, और कपड़े जो मैंने कल निकाले थे वो आपको मैंने बताया था कि एक दफ़ा पानी में से सर्फ में से निकल रहे हैं, अभी वो हो गए हैं, लेकिन अभी प्रेस वगैरह हो रहे हैं, ये सारा कुछ अभी खाली अलमारी है, उसमें जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ और कल की रूटीन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।